हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसिड जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो है बेसिस के बारे में, जिसमें हम बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं और पीएच स्केल का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। बेसिस बेसिस क्या होते हैं? बेसिस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, अगर उनको टच किया जाए तो बहुत ही कड़वी फीलिंग आती है, वो होते हैं बेसिस। एसिड्स कौन सा टेस्ट था उनका? सॉर, यानी कि उनका टेस्ट था खट्टापन, और बिटर बेसिस का टेस्ट है कड़वा। और ये होते हैं सोपी टू टच, अगर इन बेसिस को टच किया जाए तो उनमें थोड़ी सी सोप जैसी फील आती है, यानी कि फिसलने टाइप वाली फील आती है बेसिस। ठीक है, अब जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर उसको एक सब्सटेंस को टेस्ट करना है कि ये बेस है कि एसिड है, अगर उसमें लिटमस पेपर यूज़ किया जाए, उसमें डिप किया जाए, अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहे हैं, इफ़ इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इट मीन्स वो कौन सा सब्सटेंस है? वो बेसिस सब्सटेंस है। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे तो वो कौन सा सब्सटेंस था? वो एसिडिक सब्सटेंस था। अगर वो ब्लू लिटमस को ब्लू में ही रखें, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है, अगर हमने उसमें ब्लू लिटमस ले लिया, अगर उसने ब्लू को रेड में टर्न कर दिया तो वो तो एसिडिक हमें पता चल गया। अगर ब्लू लिटमस अगर वो ब्लू की फॉर्म में ही रहा, इट मीन्स वो कौन सा सब्सटेंस है? वो बेसिक सब्सटेंस होता है। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है तब भी वो बेसिक सब्सटेंस बनता है। और जो बेसिस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, यानी कि अगर एक्वा स्टेट में है, डाइल्यूट ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया गया है, इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, यानी कि अगर बेसिस जो है अगर वो अपने सोल्यूशन फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि अगर इसका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये जो बल्ब है दैट विल ग्लो। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं बेसिस के, यानी कि अगर बेसिस को मेटल के साथ, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो क्या क्या सब्सटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। अगर मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होता है कि मेटल्स जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन सबको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ डिजोल्व किया जाए तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं, साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जैसे बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल गिव्स इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। अब एक्शन विद एसिड्स, अगर बेसिस और एसिड्स को रिएक्ट करवाया जाए, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, क्या था वो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। बेसिस कंबाइन विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो बेस प्लस एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है अल्कलाई। अल्कलाई बेसिकली कौन से सब्सटेंस होते हैं, इट्स अ वाटर सॉल्यूबल बेस। अगर कोई भी ऐसा बेस है जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाए, पूरा वो उसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तो उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं या उन बेसिस को क्या बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो इन बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कलाई बोला जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें भी सेम जैसे एसिड में दो टाइप्स के एसिड्स थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, अब बेसिस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में और हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। एसिड में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते थे और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं बार बार आपको एसिड्स के लिए भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी जो पिछले क्लास का जो कंटेंट था वो भी आपका रिवाइज हो जाए। बेस में जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उन बेसिस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। अब है वीक बेस। अब वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस का ऑपोजिट, अब वीक बेस में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, वीक बेस में वो पार्शली आयनाइज होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है, वीक बेस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक
ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाँ डायग्राम में देखिए, जैसे अभी ये कोई भी एक सब्सटेंस लिया, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि उसके जो हाइड्रोक्साइड आयन्स है वो कम्प्लीटली उससे अलग हो रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अगर वो सिर्फ कुछ ही पार्शली अगर वो डिसोसिएट हो रहे हैं, पार्शली वो अपने आयन्स की फॉर्म में अलग हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वीक बेस होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बेसिकली? अब पीएच स्केल इज स्केल, एक ऐसा स्केल है सिंपल जो घर में यूज करते हैं, पेन पेंसिल वाला वो वाला स्केल नहीं, एक ऐसा स्केल ठीक है जिससे मेजर करते हैं कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो में उसमें अवेलेबल है, यानी कि उनका हाइड्रोजन आयन्स कितने उसमें कंसनट्रेटेड है, ज्यादा है कि कम है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। अब पीएच जो वर्ड है स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, कि उसमें हाइड्रोजन का कितना कंसनट्रेशन है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो है वो उस सोल्यूशन में अवेलेबल है। ठीक है, अब पीएच स्केल में तीन चीजें आती हैं, एसिड, बेसिस एंड या न्यूट्रल। अगर किसी सब्सटेंस को अगर हमने पीएच स्केल लिया और उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 आया, यानी कि वो 7 से कम आया, तो वो कौन सा सब्सटेंस होते हैं, वो एसिड होते हैं। ठीक है, उसका पीएच लेवल कम होता है। अगर उसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, बेसिस होते हैं। अगर सिर्फ 7 आ रहा है, एग्जैक्टली 7 आ रहा है, तो वो सब्सटेंस किसके अंडर आता है, न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि ना वो एसिडिक सब्सटेंस में है ना वो बेसिक में है। ठीक है, 7 मीन्स न्यूट्रल, उसमें कोई भी उसकी ना एसिडिक प्रॉपर्टी है ना उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है, जिससे आपको अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे बोला जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच स्केल से उसकी रीडिंग आ रही है 5.7, तो आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब 5.7 क्या है, 7 से कम है। ठीक है, अब 7 से कम है तो वो किसका होता है, एसिडिक होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लिया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसका पीएच स्केल दिया हुआ है कि वो 12 है, तो आपको बताना है कि उसका नेचर क्या है। अब पीएच 12 इज ग्रेटर देन 7, तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, बेसिक इन नेचर। तो ये जो पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लेना। पीएच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि अगर एक एसिड सोल्यूशन है उसका पीएच अगर कम है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ऐसे सोल्यूशन का जिसका पीएच 5 से ज्यादा है। ठीक है, अब एसिड में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं उनका पीएच 1 to 7 के बीच में होता है, यानी कि 7 से कम होना चाहिए। अब ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच अगर कोई 5 है, दिस इज 2, 3, 4, अब ऐसा कोई भी सोल्यूशन है जिसका पीएच कोई एक ऐसे सोल्यूशन है जिसका 5 है उससे कम है, यानी कि लेस देन 5 है, तो इस पॉइंट पे अगर मान फॉर एग्जांपल ले लेते हैं उसका पीएच 2 है, तो ये वाला सोल्यूशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रादर देन जिसका पीएच 5 है, यानी कि जितना उसका कम पीएच स्केल आएगा उतनी ही उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर उसका किसी का सोल्यूशन का पीएच 1 है तो इट विल बी ग्रेटर देन वो सोल्यूशन जिसका पीएच 2 है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन कैन हैव पीएच वैल्यू लेस देन 0। अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच वैल्यू 0 से भी कम हो सकता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू में भी आ सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है तो उसका पीएच ग्रेटर देन 14 हो सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि बेसिक का होता है 7 से 14 तक। ठीक है, अगर कोई भी बेसिक सोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो है वो ग्रेटर देन 14 भी आ सकता है। ठीक है, अब अल्कलाई सोल्यूशन है उस एन अल्कलाई सोल्यूशन हैविंग हायर पीएच वैल्यू इज स्ट्रॉन्गर देन अ सोल्यूशन ऑफ पीएच 10। अब कोई एक अल्कलाई सोल्यूशन है जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं बेस, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी पीएच वैल्यू 10 से, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं बेस का। अगर 7 to 14 है, अब जितना उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब एसिड्स में क्या होता है कि जितना उसका पीएच वैल्यू कम होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन बेस में क्या होता है, जितना ज्यादा उसका हायर पीएच वैल्यू होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, पीएच लेवल जो है बॉडी में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो उसका पीएच लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 7.35 एंड 7.45। अगर 7.8 से ज़्यादा हुआ या 6.8 से कम हुआ तो डेथ भी हो सकती है, हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर सकती है। ठीक है, तो मींस कि हमारी बॉडी में 7.35 और 7.45 के बीच में ही पीएच लेवल होना चाहिए। अगर 7.35 से कम हो रहा है मींस कि हमारी बॉडी में एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर 7.45 से ज़्यादा हो रहा है मींस हमारी बॉडी में बेसिक्स ज़्यादा, उनका बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 6.8 से कम हुआ तो भी डेथ हो सकती है, अगर 7.8 से ज़्यादा हुआ तो भी डेथ हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट आता है एसिड रेन में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। जो पीएच है रेन वाटर का, अगर उसका जो पीएच लेवल है रेन वाटर का, अगर वो 5.6 से कम है, ठीक है, अब कम की तरफ पीएच स्केल जा रहा है मींस वो एसिड्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अगर उसका 5.6 से कम है तो मींस वो रेन क्या है, वो एसिड रेन है। और एसिड रेन जब पानी में रिवर्स में फ्लो होती है तो वो रिवर वाटर का भी पीएच लेवल जो है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, और ये जो एसिड रेन है ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे भी इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, ये मॉन्यूमेंट्स को भी खराब कर सकता है क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। अब एसिड जो है वो सब्सटेंस को करोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास जो है वो ट्रीज वगैरह प्लांट करें, अपने इन्वायरमेंट को सेव करें ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सके और जो एसिड रेन का पीएच लेवल है वो कम हो सके। और ये मॉन्यूमेंट्स को हम अपने जो एंशियंट टाइम के हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी इंडिया की जो खूबसूरती है उसको बचा सकें। अब पीएच जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस लिए हेल्प होता है, वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग अ स्टमक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एसिड है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन या एसिडिटी होना शुरू हो जाता है और हमें स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लेते हैं बेसिस, जिनको बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेसिस का हमने पढ़ा था, इफेक्ट बहुत बार आ चुका है कि एसिड प्लस बेसिस क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो बेस जब हम लेते हैं तो उस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखें ताकि हमारे जो बॉडी में जो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर वो कम उसका लेवल अगर कम हो गया तो भी डेथ हो सकती है, अगर ज़्यादा हो गया तो भी हमारी डेथ हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्टमक का, अपने बॉडी का जो है अच्छे से ध्यान रखें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है पीएच ऑफ सॉइल। अब सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल के थ्रू ही क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं जिससे हम अपना खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब इस सॉइल का पीएच लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी प्लांट के ग्रोथ के लिए उसको एक स्पेसिफिक पीएच लेवल चाहिए होता है, दैट इज 6.227। अगर वो 7 से ज़्यादा है तो भी क्रॉप्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, अगर वो 6.2 से कम है यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक की तरफ जा रहे हैं तो भी जो क्रॉप्स हैं वो सड़ जाएंगे और प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो जो सॉइल जिसमें हाई पीट कंटेंट है, हाई मिनरल कंटेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो हैं या उसमें वेजिटेशन जो है वो रॉटिंग है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एसिडिक बन सकते हैं और उनका पीएच जो है वो 4 तक भी जा सकता है, जिससे उनका जो एसिडिक कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनकी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स जो है वो सड़ने शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है फार्मर्स को भी और इकोनॉमी को भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्मर्स को ये बात पता हो कि उसका जो सॉइल है उसका पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छी प्रोडक्शन के लिए। अब है पीएच कैन कॉज दी कैन एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। जो पीएच है वो टूथ डिके के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कि अगर हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 तक अगर पहुंच जाए, ठीक है, या उससे कम हो जाए तो जो टूथ है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। एक हेल्दी टूथ के लिए हमारे माउथ का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पीएच 5.5 से कम हो गया तो वो दांत खराब हो जाएगा।
ठीक है, और जो टूथ होता है वो एक नेचुरल ग्रो नहीं करता है, उसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल प्रोसीजर ही करवाने पड़ते हैं, क्योंकि टूथ इज द ओनली सब हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जो खुद रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, अब टूथ को मेंटेन हम अपने पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कार्बन हो गया, ये कोका कोला, ये जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी होगी, इन सबको पीना जो है वो कम करना चाहिए, और रेगुलरली अपने माउथ को हाइड्रेट रखना चाहिए, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे वेज है जिनसे माउथ का हम अपना पीएच लेवल जो है मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट आता है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, अब जो एनिमल्स और प्लांट्स है ये भी जो है ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बिंग स्टिंग है, कोई भी चींटी काट जाए या हनी भी काट जाए तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मिक एसिड या मेथनॉइक एसिड। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में पेन या इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उस पीएच लेवल को, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक बेस यूज़ किया जाता है, ताकि उस एसिड का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, तो जिससे जो पीएच लेवल है वो हमारी बॉडी पे मेंटेन हो जाता है। आज की क्लास में हमारा जो बेस टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को ज़रूर पॉज कीजिए और उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्लास में कितना समझ में आया है, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इज नोन एज। अब ये रिएक्शन तो इतनी बार कर चुके हैं कि अब तक तो आपको लर्न हो चुका होगा। ठीक है, कि एसिड और बेस का रिएक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन। इट इज नोन एज डी न्यूट्रलाइजेशन। अभी तक तो आई गेस आपको सबको लर्न हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द पीएच ऑफ अ गिवन सैंपल। कि इनमें से कौन सा जो है वो किसी भी सैंपल का पीएच लेवल को जानने के लिए यूज नहीं होता। पीएच पेपर, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर या स्टैंडर्ड पीएच चार्ट। द आंसर इज इट्स बी, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस लिए यूज होता था? वो सिर्फ एसिड्स या बेस को जानने के लिए यूज होता है, कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है नेचर में। बाकी जो है वो सब जो है वो पीएच, किसी भी सब्सटेंस का पीएच लेवल मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द वन दैट इज हैविंग पीएच लेस देन 7। ये चार ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस होगा जिसका पीएच 7 से कम होगा। लाइम जूस, लाइम वाटर, ह्यूमन ब्लड या एंटासिड। द आंसर इज ए, लाइम जूस। क्योंकि लाइम जूस एक सिट्रस फ्रूट है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो इसमें लेवल इसका ज्यादा होगा। लाइम वाटर में क्या होगा कि इसमें वाटर ऐड हो चुका होगा, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, इसका जो एसिडिक कंटेंट है वो कम हो जाता है। जैसे अगर हम डायरेक्टली सिर्फ लाइम जूस पिए या एक लाइम वाटर लाएं, तो कौन सा ज़्यादा ही खट्टा होगा? ऑब्वियस है, लाइम जूस अगर डायरेक्टली पी रहे हैं तो वो ज़्यादा खट्टा होगा, तो मीन्स उसका एसिडिक जो नेचर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जो सब्सटेंसेस जिनका पीएच 7 से कम होता है वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का जो लेवल था वो कितना था? 7.34 से लेके 7.45 के बीच में ही पीएच जो है ह्यूमन ब्लड का होना चाहिए। 6.8 से कम हुआ या 8 से ज़्यादा हुआ तो इट कैन लीड टू डेथ। और एंटासिड क्या थे? एंटासिड तो बेसिकली बेस थे, ठीक है, जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट वाइल बेसिस आर डैश इन टेस्ट। एसिड्स कौन से टेस्ट में होते हैं और बेसिस क्या होते हैं? स्वीट सॉल्टी, स्वीट सॉर, सॉर सॉल्टी या सॉर एंड बिटर। द आंसर इज इट्स डी, सॉर एंड बिटर। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।